खबर विस्तार से देखते हैं। हरियाणा के रास्ते दिल्ली की ओर कूच कर रहे किसान अभी भी दिल्ली के रामलीला मैदान या फिर जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने पर अड़े हैं। हालांकि किसानों को बुराड़ी के निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई है, लेकिन किसानों का आंदोलन सिंधु बॉर्डर पर जारी रहेगा या ये बुराड़ी जाएंगे, इसका फैसला आज होने वाला है। पंजाब और हरियाणा से दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे किसानों का प्रदर्शन लगातार तीसरे दिन भी जारी है। फिलहाल सिंधु बॉर्डर पर जमा इन किसानों की मांग है कि उन्हें दिल्ली में एंट्री लेने की इजाजत दी जाए, जिससे कि वो जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में प्रदर्शन कर सके। किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले कई महीनों से आंदोलन में है, चाहे वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश कहीं का भी। किसान अपनी मांग के लिए दिल्ली में जा रहे थे अपनी मांग मनवाने के लिए, लेकिन सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाकर किसानों पर पानी की बौछार करी और दिल्ली में नहीं घुसने दे रहे। हालांकि किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान प्रतिनिधियों को बातचीत का ऑफर दिया और आंदोलन खत्म करने की अपील भी की। सभी किसान यूनियन को 3 दिसंबर को पुनः बैठने के लिए अनुरोध किया है। सरकार पूरी तरह चर्चा के लिए तैयार है। बावजूद किसान बुराड़ी के निरंकारी मैदान में प्रदर्शन करने को तैयार नहीं दिख रहे। इस बीच न्यूज नेशन को जो जानकारी मिली उसके मुताबिक भारतीय किसान यूनियन डिकैत के झंडे तले अब किसानों की योजना मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद कूच करने की, जहां से वो पंजाब और हरियाणा के किसानों का साथ देने के लिए उनके पास पहुँचेंगे। ये तमाम किसान केंद्र सरकार की तरफ से लाए गए नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच किसान यूनियन ने कहा है कि सरकार जब तक किसानों की मांगे नहीं मानती और काले कानून को वापस नहीं लेती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली कोई इनकी बपोती नहीं है, ये दिल्ली हिंदुस्तान के किसानों की ही दिल्ली है और हर आदमी को लोकतंत्र में अपनी आवाज उठाने का हक है। अगला कदम ये है, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, जब तक किसान अपनी बात से पीछे नहीं हटेगा। हालांकि उन्होंने कहा कि सरकार अगर बात करना चाहती तो हम सरकार से बात करने को तैयार, लेकिन सरकार को इन बिलों को वापस लेना पड़ेगा। किसान नेति माने तो आंदोलन तो जरूर होगा, लेकिन वो बुराड़ी के मैदान में होगा या सिंधु बॉर्डर पर, ये फैसला आज होने वाली बैठक के बाद लिया जाना है। इससे पहले पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे किसानों को दिल्ली में प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई। हालांकि किसानों को दिल्ली के बुराड़ी स्थित निरंकारी ग्राउंड में प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई। किसान इस दौरान दिल्ली के किसी और इलाके में नहीं जा सकेंगे, साथ ही इस दौरान पुलिस किसानों के साथ ही रहेगी, जिसे किसान मानना नहीं चाहते। और हमारे दोस्त सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंघु बॉर्डर से, सूरज अरोड़ा सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अभिषेक शर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सूरज, पहले आपका रुख करूंगी, सिंघु बॉर्डर पर इस वक्त आप मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आज किसानों को रोकने या समझाने, उनसे बात करने के लिए क्या कोशिशें, क्या तैयारियां? अनामिका, तस्वीरें आपको दिखाते हैं सीधे, क्योंकि तस्वीरें सब कुछ अपने आप बयां करती हैं। ये तमाम जो किसान हैं उस पॉइंट पर मौजूद हैं जहां बैरिकेड्स लगे हैं, महज चंद कदमों की नहीं, थोड़ा सा फासला कहा जाएगा, दूसरी तरफ सुरक्षा बल हैं और माहौल अपने आप जो है वो तस्वीरें बताने के लिए काफ़ी हैं कि इतनी ठंड में भी ये लोग रात से डटे हैं, रात से खड़े हैं और दूसरे जवान और किसान आमने सामने हैं एक दूसरे के। आज क्या रहेगा, इन लोगों से जानते हैं, बात करते हैं, आज क्या क्या कुछ रहने वाला है। अब जगह तो दे दी, लेकिन दिल्ली में असं पाकिस्तान के बॉर्डर तो आए हैं, अंबरसर तो वाघा बॉर्डर तो, अं जाएंगे मोर्चा नहीं जितेंगे ना उठाएंगे। एक 100-200 बोरी खंड दी, 200 बोरी आटे की बिल्टी आ रही है, अं नहीं हिलेंगे इतों। ये साढ़े वास्ते पहुंचे हो यहाँ पे, जगह तो दे दी है बुराड़ी में, जैसा कि जगह दे जाए नहीं आएंगे, असं आपका हक लेने वास्ते आए हैं। बात दिल्ली जाने की नहीं है,
कहीं और बैठने का कोई जरूरत नहीं हमें, हम तो यहीं पे रहेंगे, दिल्ली सील करेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि चलिए बात करते हैं, उसका क्या रास्ता? बात 2 महीनों के बाद कौन सी बात करनी है? 13 तारीख को भाई मीटिंग करी सरकार ने, मोदी साहब। अब बात का मतलब आप लगता है कि बात का कोई फायदा? बात ही नहीं है कहीं, बात तो अपना हक जो ऑर्डिनेंस बनाए हैं उनको कैंसिल कर दे, रद्द कर दें, वो बात तो यही है। तो अनामिका कुल मिलाकर सुन रहे हैं कि किस तरह की डिमांड है, क्या वो चाहते हैं। उनका सीधा कहना है कि जो कानून है वो वापस लीजिए, उससे ज्यादा और कुछ उम्मीद नहीं कर रहे। और कहना सीधा ये भी है कि बात ये भी नहीं कि दिल्ली जाना है, जिद दिल्ली जाने की नहीं है। बॉर्डर पर कह रहे हैं कि प्रेशर, दबाव किस तरह से, मतलब किसान बैठे हैं इसका अंदाजा लगा पाना मुझे लगता है कि आसान है उनकी बात सुनने के बाद, कि वो उनकी डिमांड आखिर है क्या। वो सीधा चाहते हैं कोई बात नहीं करना चाहते। क्या नतीजा निकलेगा ये अपने आप में सोचने वाली बात है। एक बार मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि तस्वीरें आपको इस तरफ की भी जरूर दिखाएं, जहां बड़ी संख्या में जो प्रशासन है, अर्धसैनिक बल है, टियर गैस आप देख सकते होंगे वो भी जो सुरक्षा बल है उनके हैंड में है। किस तरह की स्थिति रह सकती है, वाटर कैनन ये साथ खड़ी है, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन फिर वही है कि जवान और किसान आमने सामने है, नतीजा क्या निकलेगा उस पर आज सबकी नजर जरूर रहेगी। जी अनामिका, वापस लौटने के तुरंत आपके पास अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक, कल की तस्वीर जो हमने देखी है उससे ये साफ है कि आज किसान आगे बढ़ेंगे और ऐसे में प्रशासन सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्या देख पा रहे हैं तैयारियां आप मेरठ में? देखिए, मेरठ में तैयारियां साफ है। किसानों ने एक स्कूल के अंदर विश्राम किया है, रात्रि विश्राम। सुबह 9 बजे राकेश टिकैत ने ऐलान किया है इनके कूच का, गाजियाबाद की तरफ ये कूच करेंगे। आज प्लान है इनका गाजियाबाद में नाइट स्टे का, गाजियाबाद में जहां प्रशासन इनको नाइट स्टे कराता है ये वहां नाइट स्टे करेंगे। आज 9 बजे जब इनका काफिला चलेगा तो वही संदेश देने की कोशिश करेंगे जो कल संदेश देने की कोशिश की है राकेश टिकैत ने, कि ये जो मुद्दा है वो पंजाब हरियाणा के किसानों का नहीं है, ये सारे किसानों का है। कल भी वो ये कह रहे थे जब मैंने उनसे सवाल किया था कि आपने समर्थन दिया है हरियाणा और पंजाब के किसानों को, तो उनका कहना था समर्थन की बात नहीं है, ये सारे किसान मुद्दे लेते हैं और सारे किसानों का मुद्दा है, और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी किसान जो है पूरी तरीके से इससे प्रभावित होंगे इन बिलों से, तो इसके विरोध में ही वो यहाँ से निकल रहे हैं और गाजियाबाद में आज रात्रि विश्राम करेंगे। कल सुबह वो गाजियाबाद बॉर्डर से दिल्ली बॉर्डर पर कूच करने की उनकी योजना है। अनामिका जी, धन्यवाद अभिषेक और सूरज आपका ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। सूरज और अभिषेक, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नए कृषि बिल में सुधार की मांग को लेकर किसानों ने कानपुर में हाईवे पर जाम लगाने की कोशिश की। भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे किसान हाईवे पर भी धरने पर बैठ गए और सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। दिल्ली में किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे किसानों को काफी मशक्कत के बाद बीच सड़क से हटाया गया। बुलंदशहर में यूपी सरकार में राज्य मंत्री अनिल शर्मा ने किसानों को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं गुंडे हैं। सुनिए क्या कहा उन्होंने। ये सारे किसान है, ये तो कोई जाम नहीं लगा रहा, किस गांव से कितने लोग आए, ये 20-25-30 वही गुंडे हैं जिनका काम कुछ नहीं सिर्फ एनआरकी फैलाना, जो अधिकारियों के साथ मारपीट किसान का नाम लेकर के करते रहे सारे। कहीं कोई भी किसान आपको नहीं मिलेगा और ये जो है ये झूठी बात है। वक्त है ब्रेक का, जल्द आ जाओ, खबरें जारी हैं।